हज़रत मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खुलफा में से कई अजीम शान लोग थे, उनमें से हज़रत मौलाना अब्दुल गनी फुलपुरी भी थे। तो मैंने सुना है कि उनकी आदत बन पड़ी थी कि अजान से पहले वो मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे। हाँ, क्या करते थे? किसी ने पूछा, हजरत इतनी तकलीफ आप क्यों बर्दाश्त करते हैं? जवाब दिया, मौला को बुलाने की जरूरत न पड़े, गुलाम पहले ही से हाजिर है। हाँ, गुलाम पहले ही से हाजिर। ये तरबियत से ये कैफियत, ये माशाल्लाह हैरत अंगेज वस्फ वस्फ़े जमील उनके अंदर पैदा हो, ये आज खुद पैदा नहीं हो सकता है। ये वस्फ़े जमील मुर्शिद के बगैर, रहबर के बगैर ये पैदा हरगिज़ नहीं हो सकता है। ये आदतुल्लाह है, ये अल्लाह का कानून है। मुरब्बी के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। मुरब्बी कामिल मिले नूर नला नूर, और हकीकतन मुरब्बी वो है जो पहले मुरब्बा बन चुका हो, यानी उसका कोई पहले मुरब्बी रहा हो, समझ गए? उसी से अच्छी तरबियत की जा सकती है। तो इस तरह इसमें दरअसल मुसलसल तलब की ज़रूरत है, मुसलसल धुन की ज़रूरत है, फिक्र की ज़रूरत है। हम सब ने दीन को समझ लीजिए बहुत ही नीचे आकर किसी नंबर पर रखा है। नंबर वन पर हमने दुनिया को रखा है, कारोबार को रखा है, मुलाजमत को रखा है, ड्यूटी को रख रखा है, समझ गए? तो ये हमारी नालायकी है, ये हमारी बदफहमी है। नंबर वन पर, नंबर एक पर आता है टू बी ड्यूटीफुल टू अल्लाह सुब्हान व तआला। हकीकतन सब सब पर अल्लाह की ड्यूटी है, कुछ समझ गए? देखो, हम दुनियाई उमूर इस्लाम में ये भी अहम है, मगर अहम तरीन है अल्लाह की ड्यूटी, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की फरमाबरदारी। हम कारोबार मुलाजमत वगैरह फिर किसी गोशे में रख देते हैं कि अच्छा नमाज कहाँ पढ़ेंगे, हालांकि शेड्यूल जो है ना, जदवल जदवल आमाल इस तरह बनाना चाहिए कि सबसे पहले नमाज आ जाए, तिलावत आ जाए, मामूल आ जाए, फिर मुलाजमत, सफ़र, कारोबार, मशगूलियात। नंबर एक पर अल्लाह की ड्यूटी होनी चाहिए। जो नंबर एक पर अल्लाह का फरीजा मुकर्रर करेगा तो रब्बुल आलमीन भी नंबर एक पर उसको तरजीह देगा। कुछ समझ गए? तो ये मशाइख मुर्शिदीन हजरत, ये दरअसल इसी मेहनत के लिए हैं कि जो आने वाले ज़मानों में सुस्ती आ जाए, बीमारी आ जाए, अकायद में, किरदार में, गुफ्तार में, रहने सहने में, मामलात में वगैरह वगैरह, उन्हीं की इस्लाह के लिए, कमाल दीन हासिल करने के लिए, कमाल ईमान हासिल करने के लिए, बुलंद किस्म का तकवा हासिल करने के लिए। क्यों? हजरत मिसल्ला खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मोमिन कामिल जहन्नम में जाएगा नहीं। हाँ, मोमिन कामिल
मोमिन नाकिस जहन्नम में रहेगा नहीं, मोमिन नाकिस जहन्नम में, ये सोचने की बात है। यानी कानूनन कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से इम्परफेक्ट जो होगा नाकिस, कानूनन उसको सफाई सुथराई की जरूरत है, प्योरिफिकेशन की जरूरत है, तत्हीर की जरूरत है, गुनाहों की निजासत गुबार जो लगा हुआ है उसको रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए उसको आँच बर्दाश्त करनी होगी। जैसे सोना भट्टी में जलाने के लिए उसको भट्टी में नहीं डालते हैं, बल्कि सोने पर जो मैल चढ़ा हुआ है, डर्ट जो चढ़ी हुई है, उसको खत्म करने के लिए उसको क्या करते हैं, आग में डाल देते हैं। इसी तरह कद अफलाहा मन ज़क्काहा व कद ख़ाबा मन दस्साहा, कामयाब हो जिसने इस नफ्स को पाक रखा, नाकाम हो जिसने उसको गुनाहों में मुलव्वस कर दिया, मुकद्दर कर दिया, गंदा कर दिया। आप अगर पाबंदी से यहां आएंगे इससे मसला हल नहीं हो सकता है। दरअसल अपने काम में मशगूल होने के दौरान भी रब्बुल आलमीन का यकीन रहना ज़रूरी है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह पाक आप सब की जाहिरी बातिनी जज्बात ख्यालात डीड्स कार्रवाइयाँ सरगर्मियाँ सब देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इसमें हमारे लिए बरकत ही बरकत है, इसमें कोई यानी मुश्किल बात नहीं है हमारे लिए, याज़ बिल्ला कोई रंज की बात मुसीबत की बात इसमें नहीं है, ये तो हमारे लिए वल्लाह बहुत ही खुशी की बात है। इसकी मिसाल मैं यूं दे दूंगा कि अगर बेहतरीन बुजुर्गवार सालेह शरीफ दाना होशियार चालाक मुशफिक वालिद साहब हो और इधर बेटा भी बहुत ही साले बहुत ही शरीफ नफ्स बहुत ही फर्माबरदार, वालिद साहब ने उसे कोई हुक्म दे दिया तो खुशी के साथ वो उसका काम अंजाम दे रहा है। कुछ समझ गए? देखो आज के बच्चे जो है ना, अवलाद है ना, वो बादिल नाखास्ता वालदेन का हुक्म बजा लाए मर मर कर, जबीन पर सलवटें होती हैं, सिमा गए? तो इसमें टेस्ट नहीं है, इसमें मजा नहीं है। असल में जिस तरह वो साले बेटा या बेटी जिनके अंदर वालिद साहब का अदब भी हो, अजमत भी हो और मोहब्बत भी हो, तो उसको वालिद साहब की इताअत में ये जो उनका हुक्म अंजाम दे रहे हैं, ऑर्डर पूरा कर रहे हैं, उसमें एक लज्जत महसूस हो जाती है, वो खुशी खुशी वो अमल अंजाम देता है, समझ गए? फिर दौरानी काम जब उसे ये पता चला कि ओ मेरे वालिद साहब तो मुझे देख रहे हैं, हाँ मेरे वालिद साहब, तो उस वक्त उसकी कैफियत कुछ दिगरगु होती है। क्यों? उसको अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत है, तो जब मुशाहदा फरमाया उसके वालिद साहब ने कि मेरा बेटा है, खुशी के साथ सुरूर के साथ मुस्कराहट के साथ मेरा काम अंजाम दे रहे हैं, तो वालिद भी बहुत खुश हो जाता है और बेटा भी बहुत ही खुश।
यही शान अल्लाह चाहता है कि जो ही नमाज का ख्याल आ जाए, अब वुजू करना है, अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है और शुरू महसूस होना शुरू हो गया तो अल्लाह बहुत खुश हो जाते हैं। इसी को एहसानी कैफियत कहती है। अज मोहब्बत तलखा शीरी बोत, मोहब्बत की वजह से तलक चीजें भी मीठी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा वल्लाह मोहब्बत के लायक अल्लाह है अज़्ज़ाशान जल्ले जल्ले। अल्लाह पाक आपको भी मुझे भी वाफिर मिकदार जो हम बर्दाश्त कर सकें, जितने हमारे लिए जितना मुनासिब हो उतनी मोहब्बत हम सबको नसीब फरमाए और पूरी उम्मत को भी, बहुत ज़रूरी। तो अल्लाह पाक इसी महफिल में ये फैसला फरमाए अपने फजल से कि हमारी ये जो कोताहियाँ हैं, हम इबादत को बोझ समझ रहे हैं, बर्डन समझ रहे हैं, अल्लाह पाक इन बीमारियों को शिफाए अजल नसीब फरमाए और बहुत ही सुरूर के साथ हर एक हुक्म बजा लाया जाए। अल्लाह पाक ऐसी तौफीक हमें नसीब फरमाए। अल्लाह हुम्मा तो रब्बुल आलमीन अज़्ज़शानु जल्ल जलालु हम पर आज भी बे इंतहा सखावत फरमा रहे हैं। खुद खाते नहीं हमें खिलाते हैं, खुद पीते नहीं हमें पिलाते हैं, खुद सोते नहीं न जेबा है हमको सुलाते हैं। डे एंड नाइट का ऐसा सिस्टम शब रोज का बनाया कि सोना तुम्हारे लिए जरूरी है। नबी हो, वली हो, आम हो, खास हो, तुम्हारे लिए सोना जरूरी है। तुम्हारे सोने के लिए मैंने पहले ही से नज़्म कर रखा है, रात बनाई। रात को दिन में मत बदल दो, नेचर और फितरत को मत बदल दो। कुछ समझ गए? तो अल्लाह को हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। तो सखावत चल रही है रब्बुल आलमीन की, लेकिन यहां की सखावत जो है ये इसमें परफेक्शन नहीं है, इसमें कमाल नहीं है। रब्बुल आलमीन की जो सखावत चल रही है जिसमें हम जिंदगी के लम्हात गुजार रहे हैं, इस दुनिया में वो वसत नहीं है, टाइम एंड स्पेस में वो वसत नहीं है। उसके लिए रब्बुल आलमीन ने पैराडाइज बनाया है, जन्नत बनाई है। उसमें सुकून, बरकत, यारी, सखावत, समझ गए? उसमें परफेक्शन मुमकिन है, इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। इसी को एक मोमिन बिल्ला फरमाते हैं, मन न करदम खलक तासु देकुनम, मन न करदम खलक तासु देकुनम, बल किताबर बंदा गांजू देकुनम। मैंने आपको इसलिए पैदा नहीं किया कि आप मुझे कोई नफा पहुंचाएं, आप इसलिए मैंने आपको पैदा नहीं किया, बल्कि मैं सखावत जमाने कदीम से करता आ रहा हूं। तुम उसी बहरे करम में गोते जन हो, गोते खाते हो, लेकिन ये इम्परफेक्ट है, नाकिस है। मैं आपको इन्फिनिट जेनरोसिटी से नवाजना चाहता हूं, गैर मामूली सखावत से, मैं ला महदूद करम से मैं आपको नवाजना चाहता हूं आखिरत। बल किता बर बंदगा जूदे कुनम, मैं अपने खास मोमिन और मोमिनात पर मुझे परफेक्ट सखावत करनी और उसकी जगह है जन्नत।
उसका मकाम मुस्तकर क्या है? जन्नत है। चूंकि मैं आफी का इसी सोसाइटी का एक फर्द हूं, आम खास में जन्नत का जोक शोक बहुत ही कम हो चुका है। बाजों को इस पर यकीन भी उठ चुका है, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये याद रहे, जिस मुसलमान को जन्नत का यकीन नहीं तो उसका ईमान खतरे में पड़ा हुआ है। बल्कि मुफ्तियाए किराम यही फतवा देंगे कि वो ईमान से खाली हो चुका है, और जहन्नम पर यकीन नहीं है वो भी ईमान से खाली हो चुका है। अल जन्नत हक वन्नार हक मुहम्मद हक अल्लाह हक असात हक, ये हकायक है, गैर मामूरी अल्टीमेट रियलिटीज है। इनमें डाउट्स और शकूक शुबात की कोई गुंजाइश नहीं है। वल्लाह जन्नत हक, वल्लाह जहन्नम हक, वल्लाह सिरात हक, वल्लाह वल बास बादल मौत हक, कयामत वल्लाह हक, हिसाब किताब वल्लाह हक, मीजान वल्लाह हक। कुछ से मांगे तो इसलिए आप और मुझे भी, हम सबको हमेशा जन्नत पेश नजर रहे। हाँ, जन्नत, इसलिए मनाजिर जन्नत का मुताला हर एक के लिए जरूरी है। घर में इस किस्म की किताबें होनी चाहिए, स्कूल्स में सिलेबस में किताबें होनी चाहिए, महफिलों में जिक्र जन्नत हो, जिक्र जहन्नम हो, चूंकि ये अल्टीमेट हमारे लिए गोल और डेस्टिनेशन है, मंजिल मकसूद है। तो इंशाल्लाह अज़ीज, चाहे फिर जायज खेल खेलते वक्त खेल के मैदान में हो, लेकिन पेश नजर जन्नत हो, तो इंशाल्लाह वहां भी बहुत ही बुलंद शऊर के साथ वो खेलेगा, पर्दे के साथ खेलेगा, हया के साथ खेलेगा, और ये जानते हैं कि खबीर अलीम रब्बुल आलमीन मुझे देख रहे हैं, और नमाज के वक्त नमाज अदा करेगा, सुस्ती नहीं करेगा। इस तरह आप भी मैं भी जरा पेश नजर, हाँ, आप भी रखें मैं भी रखूं, कि मेरी मंजिल जो है हकीकतन जन्नत है, जहां अल्लाह का दीदार मिल जाएगा, जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिलेगा। हमेशा पेश नजर है। अब मैं ये अर्ज करता हूं, मुतलक इंसान के अंदर एक इंस्टिंक्ट है, एक वस्फ है, एक सिफत है कि अच्छा घर चाहता है, और हर इंसान अच्छा घर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। अच्छा, फिर जब अंदर बाहर मकान बन गया, फिर मुस्लिम नॉन मुस्लिम हर एक चाहता है कि सामने एक पार्क हो, सामने एक पार्क जिसमें किस्म ब किस्म फ्रूट्स हों, प्लांट्स हों, ग्रीनरी हो, फ्लावर्स हों, सब्जारी हो। कोई समझ गया? ये सब उसी जन्नत की तड़प तलब जो अंदर है रखी हुई इंसान की तबीयत में, ये उसी की मैनिफेस्टेशन है, उसी का जहूर है। और याद रखिएगा, कोई भी फ्लावर, कोई भी प्लांट, कोई भी परफ्यूम खुशबू, कोई भी वेजिटेबल, याद रखिएगा, अल्लाह सुबहाना ताला के बगैर कोई नहीं बना सकता है। लेकिन हम नाबीना होकर पार्क में जाते हैं, सैर तफरी के मौके पर पहलगाम जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, टूरिस्ट रिसोर्ट को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन नाबीना होकर हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये बहरोबर, ये उयून, ये चश्मे, ये पानी की रवानी, ये किनारों पर झूम झूम के सजदा करने वाले फ्लावर्स, कुछ समा गया? ये सब उसी हुस्न अजली की, समझ लीजिए, गीत गाते हैं। हर हसीन दरअसल
इशारा है जो हकीकतन साहिब मंबई जमाल है। इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, इन्नल्लाह नजीफ युहिब्बुन नजाफा। अल्लाह हुस्न के क्रिएटर है, अल्लाह जमाल के मालिक और मंबा है। इस वास्ते दुनियाई बहारें जो हैं वो हाँ हमारे लिए मुजक्रा बननी चाहिए जन्नती बहारों की, और ये मनाजिर ये डुप्लीकेट्स हैं। इनसे हमको तसव्वुर करना चाहिए कि जन्नत की बहारें कितनी सदा बहारें होंगी, हमेशा की होंगी। एटर्निटी हैज बिगन, सिमा गया, वो हमेशा माशाल्लाह रहने वाली चीज़ें हैं। और वहाँ खालिदीन फीहा का मजदा और बुशरा और बशारत हर भाई ईमान को मिलेगी। यहाँ बीमार पड़ने का कोई अंदेशा नहीं है, यहाँ दुश्मन का कोई खौफ नहीं है, यहाँ बूढ़ा होने का कोई खतरा नहीं है, यहाँ किसी के हमले का कोई अंदेशा नहीं है। हर मोमिन किंग होगा और उसकी दुनियाई मोमिना वो क्वीन होगी, मिलकर होगी। बहुत ही वसी किंगडम और ममलिकत होगी। इसलिए जन्नत का मुताला करना बहुत जरूरी है कुरान हदीस की रोशनी। अब मैं इस तरह आपको समझाता हूं, कोई बाईमान मस्जिद में चला गया, तो मस्जिद में दाखिल होकर वो नमाज में घरेलू कामों की तरफ अंदर से मुतवज्जा है, कोई समझ गया। बाज लोग सोचते हैं अच्छा नमाज के बाद मुझे ये काम करना है वो काम करना है, तो सलाम फेरने के बाद कोई बेदार हो जाता है वरना ख्वाब गफलती में रह जाता है, तो फर्ज में भी सुन्नतों में भी घरेलू काम में मशगूल होता है। दरअसल वजू के वक्त दिमाग के वजू की भी जरूरत है, दिल के वजू की भी जरूरत है, समझ गया। अब पुख्ता यकीन के साथ मस्जिद में दाखिल होना चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में अब हाजिर हो रहा हूं, अब अल्लाह के सिवा कोई ख्याल मुझे ना आए, अब जन्नत का ख्याल आए, जहन्नम का ख्याल आए, अल्लाह सुबहान तआला की बारगाह में हाजिरी बाजपुरसी और हिसाब किताब का ख्याल आ जाए, तो इस तरह उसकी नफ्सियात ठीक हो सकती है। इधर उधर का ख्याल आ गया तो फौरन वापस आ जाना चाहिए। और नमाज में हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी कभी भी पढ़ सकते हैं, अंदर पढ़ सकते हैं, या अल्लाह शैतान अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सिर्फ अरबी लैंग्वेज में हो, अपनी जुबान में ना हो, कुछ समझ गया। बाज़ ख्यालात उनके लिए प्रोनंसिएशन तकल्लुम तलफ़ ज़रूरी नहीं है, बस अंदर अंदर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेगा, इस्तेआज़ा करेगा, अल्लाह आपकी मदद चाहता हूँ, शैतान तो मुझे मस्जिद से बाहर निकाल रहा है रूहानी तौर अंदरूनी तौर। तो इस तरह नमाज और दीगर इबादत की पुख्तगी के लिए हमें किसी शेख के साथ, किसी रहबर के साथ, किसी मुर्शिद के साथ रिश्ता जोड़ना है, ताल्लुक जोड़ना है। मकसूद दरअसल क्या है? अल्लाह सुबहान तआला की इबादत बहुत ही अजीम शान खुश उसलूबी से अंजाम दे सके, ये मकसूद है। ये नहीं कि आप मजालिस में आते रहते हैं लेकिन आपके किरदारों में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, आपकी गुफ्तार में इस्लाह नहीं हो रही है, आपके रहने सहने के सलीकों में इस्लाह नहीं हो रही है, आपके लेन देन में इतिबाई सुन्नत नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है वक्त आप ज़ाया कर रहे हैं। कुछ समझ गए? और एक बात आप याद रखें, मैंने बड़े बड़े अकाबिर
की ज़ियारत की है और अल्लाह की फजल करम से उनकी सोहबत में किसी के साथ ज़्यादा अरसे के लिए, किसी के लिए कम अरसे के लिए यानी हम नशीनी नसीब हो गई। तो बड़े बड़े अकाबिर जितने भी थे उनमें से कोई भी बाजमात जिक्र नहीं कराता था। सीमा बाजमात बयक आवाज जिक्र नहीं कराता था। अलबत्ता मैं हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रह चुका हूँ, वहाँ बहुत बड़ा मजमा होता था तो वह जाकिरीन का मजमा होता था, लेकिन हर एक मुनफरदन जिक्र करता था, एक आवाज़ से नहीं। वहाँ मजबूरी थी, वहाँ मजबूरी थी। एक मौके पर मैं गया हूँ तो मैंने हजरत शेखुल हदीस मौलाना यूनुस साहब को, एक ऐसे ही पिलर था, बस उस जाने वो तनहा मुनफरदन व जिक्र में मशगूल थे, रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया। तो बाज़ दफ़ा ये जो मजमे में जिक्र कराई जाती है तो मेहरबानी करके ये सिखाने के लिए, ये तालीम के लिए है। इसका बेहतरीन तरीका है अपने घरों को आबाद करो, घरों में टाइम निकालो, ख्वातीन भी, बेटियां भी, बहनें भी, वालदात भी और दोस्त हजरात भी, बस होना चाहिए तो कोई फिक्स्ड टाइम